प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हम आपको बताएंगे गन्ने में कोराजिन इस्तेमाल करने का सही समय क्या है, सही मात्रा क्या है और कैसे प्रयोग की जाए। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोराजिन जो है कौन सी कंपनी समय सेल कर रही है, तो कोराजिन को जो है FMC कंपनी सेल कर रही है। इससे पहले जो है वो ड्यूपॉन्ट कंपनी सेल करती थी। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो जो है क्लोरोट्रानिप्रोल 18.5% है। इसकी डोज क्या है, 150 ml प्रति एकड़ इसकी डोज है। इसका प्राइस क्या है किसान भाइयों, ये जो है 1800 रुपये के आसपास पड़ जाती है। मार्केट के हिसाब से जो है 1800 है, बाकी कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा है, तो 1800 रुपये के आसपास ही है किसान भाइयों। तो गन्ने में ये किस पर काम करती है, गन्ने में किसान भाइयों ये अर्ली शूट बोरर, शूट बोरर, टॉप बोरर पर काम करती है। कोराजिन का काम फसल पर केवल कीटनाशक के रूप में काम आती है, अन्यथा इसका फसल की बढ़वार आदि किसी पर काम नहीं करता। कुछ किसान भाइयों का मानना जो है ये जो है बढ़वार के काम में आती है, तो इसका ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ केवल जो है कीटनाशक पर ही काम करती है। हमारी फसल पर अगर गोब की सुंडी लगी हुई है तो कोराजिन तत्काल में काम नहीं करेगी, उस पर हमें किसी दूसरी कीटनाशक दवा का इस्तेमाल करना है। अगर सुंडी पर तत्काल में प्रभाव डालना के लिए जो है क्लोरो प्लस साइपर 50% का इसका प्रयोग करके जो है तत्काल में हम जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं सुंडी की। कोराजिन जो है तत्काल में काम नहीं करती। इसको जो है हमें कोराजिन को 400 लीटर पानी में 150 ml दवा के साथ इसका प्रयोग करना है। घोल बनाकर उसके साथ हमें इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल हमें कब करना है, इसका इस्तेमाल हमें जो कब करना है, सितंबर अक्टूबर वाले गन्ना, जब सितंबर अक्टूबर का जो गन्ना बोया होता है उसमें, फरवरी मार्च में जब गन्ना 1.5 फीट का हो जाए तब हमें उसमें ड्रेंचिंग करनी है। अगर हमारा गन्ना फरवरी मार्च में हुआ है तो हमें मई जून में उसकी स्प्रे करना है। फसल पर स्प्रे नहीं करनी है हमें, केवल और केवल इस पर ड्रेंचिंग करनी है। इसका इस्तेमाल हमें गन्ने की फसल पर स्प्रे नहीं, केवल ड्रेंचिंग के रूप में जड़ों, गन्ने की जड़ों पर हमें ड्रेंचिंग करनी है। कोराजिन का इस्तेमाल हमें तब करना है जब खेत में नमी हो, नमी नहीं हो तो ऊपर से सिंचाई करनी आवश्यक है। अगर हम सिंचाई नहीं करेंगे, नमी नहीं होगी खेत में, तो ये हमारी काम उतने अच्छे से नहीं करेगी। किसान भाइयों, हम आपको केवल इस दवा का प्रयोग तथा इस दवा का उपयोग कैसे करें, हम आपको इसकी केवल जानकारी दे रहे हैं, हम आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहे हैं कि आप कोराजिन ही इस्तेमाल करें। आप जो है हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक तरीके मार्केट में आ गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।